गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम ऑन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। फिगर शोज टू व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू विद ओ एस ओरिजिन। हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम में मुझे दिया है फ्रंट व्यू और दिया है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हमेशा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में फ्रंट व्यू होता है और जो होता है ना लेफ्ट हैंड साइड व्यू वो हम ड्रॉ करते हैं राइट हैंड में, ठीक है। तो मेरा जैसे हमारा दिख रहा है इमेज राइट में है बट वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो आपको ये वाला पार्ट मेरा इधर में होता है और मेरा फ्रंट व्यू उस साइड में होता है नॉर्मली इन द आइसोमेट्रिक में। तो आपको इसको पकड़ना, ये वाला मेरा पार्ट यहाँ पे इस साइड में है ऐसे, मेरा फ्रंट व्यू उस साइड में। और आपको और थोड़ा नॉलेज चाहिए तो जो होता है ना ओरिजिन पार्ट भी जो ओ दिया हुआ है, आपको पेपर में ओ लिखा होगा नहीं होगा आपको वो प्रॉब्लम का प्रिंटिंग से होता है। मेरा यहाँ पे ओ होना चाहिए और इसका मतलब ही मेरा ये पार्ट जो है मेरा यहाँ से शुरू होगा ऐसे होगा शुरू, मेरा फ्रंट में मेरा ओ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब मेरा ये वाला पार्ट मेरा यहाँ से ऐसे आगे जाने वाला है। इन शॉर्ट ये मेरा फ्रंट व्यू है और मेरा लेफ्ट हैंड साइड हम उसको वहाँ पे ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में, जबकि वो आइसोमेट्रिक में वो यहाँ पे आना चाहिए सिंपल, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है फ्रंट व्यू शोज लेंथ एंड हाइट, मुझे लेंथ दिया है 60 का, पूरा लेंथ 60 का दिया है, मुझे हाइट दिया पूरा 60 का। तो मेरे फ्रंट व्यू का मैंने लेंथ निकाला 60, हाइट निकाला 60, मेरा फ्रंट व्यू होता है लेंथ इनटू हाइट, तो मेरा फ्रंट व्यू हो गया 60/60 का, ओके। मेरा साइड व्यू है, साइड व्यू शो करता है ब्रेथ इनटू हाइट, मेरा ब्रेथ है 60 का, मेरा हाइट कितना आपस से 60 का, तो मेरा साइड व्यू शो करता है ब्रेथ इनटू हाइट, तो मेरा 60 हाइट है और मेरा ब्रेथ भी 60 का है। तो मुझे मिल गया है मेरा ब्रेथ भी मेरा 60 का है, तो मेरा टॉप व्यू मेरा हो गया 60/60, तो मेरा साइड व्यू भी मेरा है 60/60 का। तो इन शॉर्ट मेरा यहाँ पे ओरिजिन है, अभी मेरा फ्रंट व्यू आएगा, मेरा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा और मेरा साइड व्यू जाएगा यहाँ से पीछे जैसे, ठीक है। तो मुझे पहले एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक बनाना है, तो आपको आइसोमेट्रिक ब्लॉक के लिए पहले स्टार्टिंग में बेस चाहिए, आप ओ पॉइंट हो, आप एक स्मॉल वहाँ पर स्मॉल एक लाइन ड्रॉ करो उसको बेस बोलेंगे। आपको इस पॉइंट से एंगल लेना 30 का एंगल लोगे और 30 का एंगल लोगे, ठीक है, और एक 90 का एंगल लोगे, कितना 30 का एंगल, एक एंगल होगा 30 डिग्री पे, एक एंगल होगे 30 डिग्री पे यहाँ पे और एक एंगल होगे 90 डिग्री पे। तब को कंपास लेना है, कंपास से डिस्टेंस लोगे कितना, फ्रंट व्यू कितना है ब्लॉक 60/60, तब कंपास लोगे यहाँ से मारोगे 60 का लेंथ, ठीक है। हाइट कितना है 60 का, यहाँ से मारोगे 60 का हाइट यहाँ पे फिर वापस क्या करना है आपको, यहाँ से आपको 60 मारना है, ऊपर में एक लाइन वर्टिकल 90 लेके यहाँ से 90 लोगे, ठीक है, 90 का लाइन लोगे, यहाँ पे 60 मारना है आपको, यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। और साइड व्यू कितना है आपका, साइड व्यू ब्रेथ 60 का है, हाइट 60 का है, तो आप यहाँ से 60 का लेंथ मारोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ से 90 का हाइट लोगे, 90 का आप 60 मारोगे, आप यहाँ पे 60 मारा हुआ है तो आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपका रहा टॉप व्यू, आपने ए लाइन ज्वाइन कर दिया, आपने ए लाइन ज्वाइन कर दिया, तब देखो इतना लेंथ था 60 का, आपको यहाँ से इस पॉइंट से 60 का मारना है, आपको इस पॉइंट से 60 का मारना है, तब का कट हो गया यहाँ पे, तब का हो गया आइसोमेट्रिक ब्लॉक। आपको पेपर में आइसोमेट्रिक ब्लॉक के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, आपने अगर कुछ ड्रॉ भी नहीं किया, अगर आइसोमेट्रिक ब्लॉक भी ड्रॉ करके आ गए तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा प्रॉब्लम। आपके प्रॉब्लम में मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि देयर आर 2 पार्टीशन, एक होता है सर्कल पोर्शन, एक होता है स्ट्रेट लाइन वाला। तो मेरे यहाँ पे सर्कल पोर्शन दिया, यहाँ पे आधा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया, ओके। आपको जो दिया डॉट दिया, जो डॉट डॉट दिया हुआ है सर्कल का हिडन पोर्शन, आपको सर्कल जो है आपको दिखने का साइड व्यू से, तो उसने वो उधर डॉट दिखा दिया, ठीक है। डॉट मीन्स मेरा सर्कल जो है, ये वाला पोर्शन जो सर्कल है ये मेरा यहाँ से पूरा थ्रू आउट गया हुआ है, इतना क्लियर, ठीक है। आपको डॉट दिया, आपने डॉट ये दिया हुआ है इस कॉर्नर के, आपका ये कॉर्नर जो है जो फ्रंट में कॉर्नर आपको दिखने का साइड व्यू से, उसका डॉट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्मॉल, इसका नाम है रिब, रिब का होता है डायमेंशन 10 का, इसका नाम है रिब, जो स्मॉल वर्टिकल ना उसको बोलते हैं सपोर्टिंग एलिमेंट, उसका नाम है रिब, वो होता है 10 mm का, ठीक है। तो अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो जिससे मेरा ना जो क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन यहाँ से आगे ऐसा ऐसा था, तो ये मेरा पोर्शन मेरा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, तो कहाँ तक गया, पीछे जहाँ तक, यहाँ तक गया मेरा जो पोर्शन, जो नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ से ऐसा स्ट्रेट सर्कल वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे नीचे बढ़ा है, यहाँ तक कितना हाइट 20 तक है, और जो पोर्शन यहाँ से जो गया हुआ है, यहाँ से पोर्शन पूरा गया हुआ मेरा पीछे में, पीछे कितना, यहाँ से पीछे, तो मेरा यहाँ पे 2 पार्टीशन है, 16 है, 2 पार्टीशन है, यहाँ से 30 है और 30 है, और 30 के हाइट में, 30 के थिकनेस में मेरा एक पोर्शन है, बाकी मेरा पोर्शन पूरा आगे तक फैला हुआ है, ठीक है। सर्कल में आप यहाँ पे जो मेरा आगे से पीछे तक गया हुआ है, इतना क्लियर। तो पहले मुझे क्या करना, पहले मुझे इसका पोर्शन मेरा ड्रॉ करना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है।
अगर मेरा 60 का है, मेरा कितना रेडियस है, 10 का रेडियस है, तो कितना होगा ये बनेगा, 20 बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 20 और ए बीच का 20, तो मेरा तीन पार्टीशन है, तो क्या करोगे, मेरा मुझे ड्रॉ करना यहाँ पे, ठीक है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले मुझे तीन पार्टीशन चाहिए, 20 20 20, फर्स्ट आई मार्क सेंटर पोजिशन, एक सेंटर पॉइंट ले लिया कि मैंने यहाँ से उसको ऐसे पकड़ना है, उसको आपको ऐसे ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन, ठीक है, तब जाओगे 20 यहाँ से, या फिर 10 का गैप छोड़ दो, 20 और पीछे से 20, ये मेरा जगह है सर्कल के लिए, ठीक है, यहाँ से कितना ऊपर गया, 20 का, यहाँ थ्री पार्टीशन 20 20 का, मैं भी 20 ड्रॉ कर दिया है यहाँ से मैंने, आप इसको ऐसे कर सकते हो पैरेलल, आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे पॉइंट मार्क कर सकते हो पहले बीच में, ठीक है, कितना जा रहा है आसानी से, 10 का गैप है, ठीक है, मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से पहले एक फ्रेंट लाइन ड्रॉ करना है, पहले फर्स्ट यू ड्रॉ द फ्रेंट लाइन फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से कितना गैप मेरा, 10 का गैप है, तो आपको क्या करना है, ऐसे 5 5 मार्क करना है, 5 5, ठीक है, फिर आपको यहाँ से लाइन डार्क आया हुआ है, यहाँ तक यहाँ से भी डार्क आया हुआ है, मुझे यहाँ से एक पार्टीशन चाहिए 20 mm का, ठीक है, मैं रिब आपका ऐसा दिखा रहा हूँ फ्रंट से, अब मुझे थोड़ा सा इसके हिसाब से जो टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे क्या, मेरा रिब जो ना, आप जो दिखा रहे क्वेश्चन, आपको ये दिख रहा है यहाँ से, आप दिख रहे हो फ्रंट से ऐसा, और ये क्वेश्चन जो मेरा वो पीछे में है, सिर्फ मेरा रिब यहाँ पे है, सिर्फ मेरा रिब यहाँ पे है, पीछे में मेरा गैप है, मेरा जो रिब है, रिब मेरा सिर्फ यहाँ पे है, फिर मेरा यहाँ से आपका सिर्फ ऐसा लंबा गया हुआ है, ठीक है, लंबा, ठीक है, तो मेरा रिब ना, आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है पॉइंट, आपको पीछे ढकेलना है, कितना पीछे ढकेलना है सर, आपको यहां से एक लाइन लेना है आगे में, तीन पार्टीशन आपके यहाँ पे 20 20 20 के, एक ऐसा आपको यहां से भी एक लाइन आगे करना है 20 इसको, ठीक है, फिर आपका जो क्वेश्चन यहां से है, आपका जो वर्टिकल लाइन, आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल, आपको इसको ज्वाइन करना है यहां से, सिंपल मैंने ऊपर का क्वेश्चन टॉप का नीचे ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपको आप हम जाएंगे थोड़ा साइड की तरफ, मेरा पास यहाँ पे, ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं समझना इसमें ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इनका कितना हाइट है, रेडियस 10 का है, तो मुझे करना क्या, पहले मुझे रोम्बस ड्रॉ करना है रेडियस 10 का, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले 10 लूँगा, 10 10, फिर मैं यहाँ से हाइट लूँगा, यहाँ से लाऊंगा लाइन लूँगा स्ट्रेट, मैंने 10 10 ऊपर मार्क कर दिया है, आपको ऐसे रोम्बस ड्रॉ करना है पहले, ठीक है, ठीक है, आपको डायगोनल ज्वाइन करना है, स्मॉल डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ठीक है, आपको इस पॉइंट से ज्वाइन करना है इस वाले पॉइंट को, ठीक है, और आपको लॉन्गर डायगोनल ज्वाइन करना है, बाद में आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, आपका एक पॉइंट यहाँ पे मिला, आपको भी ए पॉइंट पकड़ना है, आपको रेडियस पकड़ना है इस वाले पॉइंट तक, सेंटर तक, इस पॉइंट से आपको रेडियस पकड़ना है यहाँ तक, आपको यहाँ पे ऐसा स्मॉल सर्कल ड्रॉ करना है, ओके, आपको ए पॉइंट पकड़ना है, आपको यहाँ से रेडियस इतना, आपको यहाँ से आर्क करना है, ड्रॉ ऐसा करना है, ये आपका हो गया सर्कल का, ठीक है, ये आपका हो गया स्मॉल सर्कल, सिंगल सर्कल का पोर्शन, ठीक है, अब मैं जाऊँगा साइड व्यू की तरफ, मेरा साइड में ए पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट, मेरा पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि मेरा पीछे स्ट्रेट आया हुआ है साइड व्यू से, पीछे में मेरा फर्स्ट स्ट्रेट गया हुआ है, मैं जाऊँगा स्ट्रेट यहाँ से, अब मुझे यहाँ से कितना हाइट है, पूरा हाइट दिया हुआ, ठीक है, मेरा पूरा हाइट है पीछे बॉटम लास्ट तक, मैं पूरा ड्रॉ करूँगा हाइट, ठीक है, फिर मेरा हाइट यहाँ से कितना आया हुआ है आगे में, यहाँ से मेरा आगे आया हुआ है 30 mm का, ठीक है, तो फिर मैं आऊँगा 30 का,
5 इंच कितना वहां से मैं नीचे हूँ यहाँ तक 20 तक सॉरी हाँ नीचे से 20 तक आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है ऐसा ये वाला पोर्शन पीछे लेके आओगे ये आपका कॉर्नर ना ये आपका कॉर्नर है जो ये वाला कॉर्नर सेम सेम कॉर्नर है आपको इस कॉर्नर को पीछे लेके जाने का है ओके आपको सेम कॉर्नर आपको यहाँ से आगे लेके आना है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ठीक है ऐसा आप स्ट्रेट लेके आओगे फिर मुझे ये वाला पॉइंट जो मेरा मुझे इसको नीचे तक ड्रॉ करना है यहाँ पे और मेरा एक कॉर्नर यहाँ पे आ गया ठीक है मेरा एक कॉर्नर है और मुझे इसको जाऊंगा आगे तक करना ज्वाइन ओके आपको जो पोर्शन दिख रहा है आगे में ऐसा सेम पोर्शन पीछे में भी होता है पीछे में भी और जो पोर्शन मेरा यहाँ पे दिख रहा फ्रंट में मेरा सेम पोर्शन मेरा पीछे में भी है यहाँ पे ठीक है ओके तो मेरा सेम यहाँ से कितना पीछे कितना गया होगा ओके आपको फ्रंट में दिख रहा है आपको फ्रंट में दिख रहा ये फ्रंट से दिख रहा है ऐसा आगे में ठीक है तो अभी दिख रहा है ये वाला पोर्शन आपका आपको साइड से सब दिख रहा है आपको फ्रंट से उसका ये दिख रहा है लेंथ कितना होगा ठीक है तो आपको लेंथ यहाँ पे दिख रही है ना ये कितना आ गया 15 है और 15 में भी यहाँ पे तो यहाँ से कितना मिलेंगे 15 दो लेंगे आप पीछे से कॉर्नर से और जैसे यहाँ से कितना है 30 है यहाँ से 15 यहाँ पे एक बॉक्स बनता है आप एक बॉक्स होता है रेक्टेंगल ऐसा आपको क्या करना है आपका जो ये पॉइंट है आपका आपको ये पॉइंट को भी आगे पॉइंट आगे प्रोजेक्ट करना है स्ट्रेट सीधा ऐसे ठीक है आपको वहां से आगे ड्रॉ करना है 15-30 mm पर यहाँ से आगे करना है ड्रॉ आपको यहाँ से ये सब ड्रॉ कर दिया ये वाला तो यहाँ से स्ट्रेट आना है वो स्ट्रेट यहाँ से आना है अब करते हैं रेक्टेंगल ए जॉइन करना है ए जॉइन करना है ठीक है अच्छा तब वो क्या करना है आपको इस वाले पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है पीछे में आगे में अभी मुझे एक इतना आ रहा है यहाँ से कितना नीचे आ रहा है 20 mm तक ठीक है मुझे वहाँ से 20 तक एक लाइन है जहाँ से कॉर्नर टच करेगा 20 पे यहाँ पे यहाँ से मुझे उस कॉर्नर को आगे प्रोजेक्ट करना है इसको मुझे प्रोजेक्ट करना आती है तो मुझे ये वाला मेरा आ रहा है यहाँ से 20 नीचे ठीक है मुझे यहाँ से 20 नीचे लेना है मुझे यहाँ से 20 नीचे लेना है और फिर मुझे इनको दोनों को ज्वाइन करना है ऐसे ठीक है फिर आपको ये जो पोर्शन है आपको इसको आगे लेके जाना मुझे इसको लेके जाना आगे में ऐसे तो हमको यहाँ से आगे तक लाइन ड्रॉ करना है क्योंकि 30 का दिया होगा हमको ये 30 का दिया हुआ है इसलिए हमको यहाँ से 30 ये वाला क्वेश्चन है यहाँ से 30 आगे हमको हमको इसमें ए वाला यहाँ तक ड्रॉ करना है आगे तक ठीक है फिर आगे में यहाँ से क्या है स्ट्रेट ज्वाइन किया हुआ है हमको यहाँ पर ज्वाइन करना है सीधा आगे ठीक है आप देखोगे फ्रंट व्यू से तो आपको दिख रहा ऐसा क्वेश्चन दिख रहा ऐसा 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 फिर ये रिप दिख रहा फिर यहाँ से ऐसा दिख रहा ठीक है फिर आगे पीछे दे दिया हुआ है ठीक है अभी मुझे क्या करना है जब देखो ना आगे से पीछे जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऐसा आगे पीछे पीछे होता है ठीक है इसको क्या करना आगे तक चीज़ से एक लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल ठीक है तो आपको इसको इस कॉर्नर को पीछे लेके जाना है ऐसे इसको ठीक है तो आपको इस वाले कॉर्नर को थोड़ा सा आगे ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है तो आप देखोगे ना फ्रंट व्यू से आपका ये जो पार्ट था जो पिछला पार्ट जो है पिछला लेवल वो अपेरेंट शिफ्ट दिखता है आपको क्लियर दिखता नहीं है वो थोड़ा छुप जाता है ऐसे ठीक है तो आपको इसको दिखाना ऐसे ही है यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है वर्टिकल आपको इसको यहाँ से आगे लेके जाने का है ज्वाइन होंगे एक जगह पे फिर आपको यहाँ से लाइन ज्वाइन करना है आपको सेम क्या करना है इससे भी आपने एक लाइन जो करते जिससे आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी है आपको सेम आपको आगे यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है ऐसे जो मुझे यहाँ से आगे आ रहा है ऐसे
जो मेरा यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। नाउ आपको यहाँ से और लाइन ज्वाइन करना ऊपर में वर्टिकल, तो कितना आ रहा है यहाँ से, इस पूरा नीचे तक आ रहा है पूरा, ठीक है। तो जहां तक वो टच करता है आपको दिखाना है ऐसे, क्योंकि यहाँ का पोर्शन जो नीचे और यहाँ से जो नीचे वो कहीं ना कहीं छुप गया पीछे में। आप देखो ना साइड व्यू से, तो आपको साइड व्यू से ये ऊपर नीचे आ ये ना लेवल जो है वो नीचे आ सकता, तो आपको ये वाला लेवल और ये ऐसे मिस हो गया, ऐसे नीचे नीचे आएगा ऐसे ऐसे, यहाँ से नीचे आएगा वो छुप गया ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से और एक नीचे से एक लाइन ड्रॉ करना है इसको पैरेलल इस वाले रिब के पॉइंट से, रिब के पॉइंट से लाइन ज्वाइन करना आगे, आपको ऐसे ड्रॉ करना है कहाँ तक, तो यहाँ तक लाइन ज्वाइन करना है ऐसे यहाँ तक, ठीक है। तो आपको इसको वापस से ऐसे लाइन टच करना है ऐसे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से वापस इसको ऐसे नीचे में एक ड्रॉ करना है, ठीक है। जो पीछे का लेवल है तो ये जो रिब है रिब वो पीछे तो ऐसे गए हो, यहाँ से दिखा ना रिब जो दिख रहा है थिकनेस यहाँ पे आगे में, और सेम ऐसा सपोर्ट जो ना पीछे तो ऐसा सपोर्ट है, तो मैंने यहाँ से आपको रेक्टेंगल से ड्रॉ करना है पीछे में ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है पूरा आइसोमेट्रिक एक इस प्रॉब्लम का। आपको नीचे में यहाँ पे लाइन थोड़ा सा शो करना है, आपका एंगल 30 डिग्री का है, ऊपर 30 डिग्री का है, यहाँ पे मेरा ओरिजिन है स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा अच्छे से, 2-3 बार इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ किया हुआ है। पेपर में प्रॉब्लम बहुत बार पूछा हुआ है, आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा इसको थोड़ा स्टडी कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कैसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।